हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में काइनेमैटिक्स इस टॉपिक में प्रोजेक्टाइल मोशन है और आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है और ये प्रॉब्लम आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से सॉल्व करना है। कैसे पहचानोगे स्टूडेंट? तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम में प्रोजेक्टाइल वर्ड है क्या स्टूडेंट, वो आपको देखना है। सो इस प्रॉब्लम में प्रोजेक्टाइल वर्ड नहीं है और जब प्रोजेक्टाइल वर्ड नहीं होगा तो आपको डायरेक्टली डायग्राम देखना है स्टूडेंट। और इस डायग्राम में आपको राइट ना ऑब्जर्व करना है कि ये जो आदमी है स्टूडेंट राइट, वो 1.2 मीटर हाइट पे बॉल को राइट ना स्टूडेंट स्ट्राइक करेगा स्टूडेंट, और ये बॉल जाके गिरेगा स्टूडेंट ग्राउंड पे। कौन से पोजिशन पे स्टूडेंट? एट बी पॉइंट पे स्टूडेंट, बी पॉइंट पे। इसका मतलब है स्टूडेंट ये प्रॉब्लम आपको प्रोजेक्टाइल से सॉल्व करना है। कैसे? प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट भी ऐसे स्टूडेंट, अगर हमने किसी पॉइंट से किसी चीज को अगर हमने फेंका तो उस चीज में कोई ना कोई चेंजेस होते हैं स्टूडेंट, उस चेंजेस को हमें फाइंड करने होते हैं स्टूडेंट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, पॉइंट ए पे ये आदमी 1.2 मीटर हाइट पे बॉल को फेंक रहा है स्टूडेंट, स्ट्राइक कर रहा है और वो बॉल जाके गिरेगा पॉइंट बी पे। तो इसका मतलब है इस बॉल में कोई ना कोई चेंजेस होंगे स्टूडेंट, तो वही हमें फाइंड करना है। मतलब हमें इसका स्पीड फाइंड करना है, मींस स्पीड फाइंड करना है वीए, और हमें एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट थीटा ए। उस टाइम हमें टाइम दिया हुआ है स्टूडेंट टी इज इक्वल टू 2.5 सेकंड। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये डायग्राम दिया हुआ है स्टूडेंट ओके, और अब हम स्टेप वन में हे डायग्राम एज इट इज ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, और इसमें चेंजेस क्या होगा स्टूडेंट देखिए, ये जो वी ए स्टूडेंट है, वी ए आपका इंक्लाइंड एंगल है और इंक्लाइंड एंगल के लिए आपको वर्टिकल कंपोनेंट्स और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शो करने होते हैं। सो वर्टिकल कंपोनेंट्स होता है ये साइन थीटा है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होगा कॉस थीटा है स्टूडेंट। जिस साइड पे एंगल है स्टूडेंट एंगल, वहां पे आपको कॉस लेना है, और जिस साइड पे एंगल नहीं है स्टूडेंट वहां पे आपको साइन लेना है स्टूडेंट। और स्टूडेंट जिस पॉइंट से आपका बॉल फेंका जाएगा स्टूडेंट उसी पॉइंट पे आपको एक वाई एक्सिस लेना है स्टूडेंट, और वही पे भी आपको स्टूडेंट एक एक्स एक्सिस आएगा स्टूडेंट। So, ये एक्स एक्सिस स्टूडेंट और ये वाई एक्सिस स्टूडेंट। अब हम पॉइंट बी पे एक्स और वाई के पॉइंट्स लेंगे स्टूडेंट हमेशा। देखिए एक्स पॉइंट होता है स्टूडेंट एक्स एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस होता है वो होगा स्टूडेंट पॉजिटिव मींस 50, और आपको वाई लेना है स्टूडेंट वाई, एक्स अगर वाई लेना है स्टूडेंट आपको वाई एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस होगा 1.2 वो लेना है आपको स्टूडेंट -1.2। क्योंकि स्टूडेंट ये ट्रिक आपको देखनी है, y मैंने क्यों नेगेटिव लिया, सो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है x एक्सिस के नीचे जब भी आपको पॉइंट b आएगा तब आपको y लेना है नेगेटिव। अगर x एक्सिस के ऊपर ए पॉइंट b रहता स्टूडेंट तो आप y लेते पॉजिटिव, x के नीचे आएगा पॉइंट तो आप y लेना है नेगेटिव, और अगर x के ऊपर आया पॉइंट b तब आपको लेना होता स्टूडेंट y पॉजिटिव ओके स्टूडेंट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपको स्टेप टू में स्टूडेंट जब भी आपको va और थीटा फाइंड करना होगा स्टूडेंट थीटा और va, तब आपको इस प्रोसीजर से जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है हॉरिजॉन्टल मोशन, और यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट वर्टिकल मोशन राइट। और इसमें आपको पांच पैरामीटर लिखने, u मींस इनिशियल वेलोसिटी, v मींस फाइनल वेलोसिटी राइट, s मींस डिस्टेंस, a मींस एक्सेलरेशन, t मींस टाइम। सो आपको t दिया हुआ है प्रॉब्लम में 2.5 सेकंड स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली t लिख लेना है 2.5 सेकंड राइट, और यहाँ पे भी आपको 2.5 सेकंड लिखना है। उसके बाद एक्सेलरेशन आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल मोशन में जीरो लेना है, फिक्स रहेगा स्टूडेंट, और आपको यहाँ पे लेना है स्टूडेंट एक्सेलरेशन -9.81 हमेशा वर्टिकल मोशन। डिस्टेंस स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए देखिए 50
और वो 50 लेना है आपको स्टूडेंट पॉजिटिव, सो पॉजिटिव। और स्टूडेंट आपको वर्टिकल मोशन के लिए जो डिस्टेंस है वर्टिकल मोशन के लिए वो लेना है आपको -1.2 स्टूडेंट, -1.2। सो आपको लेना है -1.2। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपको पता नहीं है, सो 0 0। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, ये देखिए स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए है वेलोसिटी वी ए कॉस थीटा है, और वर्टिकल मोशन के लिए आपको लेना है वी ए साइन थीटा, वी ए साइन थीटा ए। सो स्टूडेंट ये कब आपको फॉलो करना है प्रोसीजर, जब भी आपको वी ए और थीटा ए फाइंड करना है तब आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना। सो स्टूडेंट आपको हमेशा एक चीज याद रखना है, जब भी आपको हॉरिजॉन्टल मोशन में टी और यस मालूम होगा, ध्यान से देखिए यस और टी अगर आपको मालूम होगा तो आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला ले सकते हो स्टूडेंट, यू इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली लेना है, यू इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। सो स्टूडेंट देयर फोर यू ए स्टूडेंट यू यू ए आपके पास हॉरिजॉन्टल मोशन में, ये आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल मोशन में ही लिखना है हमेशा। सो यू ए स्टूडेंट वी ए कॉस थीटा, वी ए कॉस थीटा इक्वल्स टू एस स्टूडेंट आपके पास 50 और टी ए स्टूडेंट आपके पास 2.5। सो देयर फोर वी ए कॉस थीटा स्टूडेंट वी ए कॉस थीटा ए हो जाएगा स्टूडेंट 50 अपॉन 2.5 होगा स्टूडेंट 20। सो आपको यहाँ पे 20 लिखना है और उसे इक्वेशन आपको वन करना है स्टूडेंट, इक्वेशन वन ये आपको हमेशा याद रखना है स्टूडेंट, जब भी आपको हॉरिजॉन्टल मोशन में एस और टी पता होगा तब आप डायरेक्टली ये इक्वेशन लेना है आपको, यू इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, यू ए हॉरिजॉन्टल मोशन में वी ए कॉस थीटा है, एस है आपके पास 50, टी ए 2.5, 50 अपॉन 2.5 20, इक्वेशन वन। अब आपको वर्टिकल मोशन में जो इक्वेशन मैं बताऊंगा वही लेना है आपको, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सो यस है स्टूडेंट, यस है आपके अभी वर्टिकल मोशन के लिए लिख रहे हैं, यस है आपके पास स्टूडेंट -1.2 इज इक्वल टू यू ए स्टूडेंट आपके पास वर्टिकल मोशन में वी ए साइन थीटा, वी ए साइन थीटा ए इंटू टी ए स्टूडेंट आपके पास वहां पे वर्टिकल मोशन में 2.5 प्लस अभी 1/2 इंटू ए ए स्टूडेंट वहां पे आपको वर्टिकल मोशन में -9.81 इंटू टी ए स्टूडेंट आपके पास 2.5 वर्टिकल मोशन में, सो 2.5 का स्क्वायर। सो स्टूडेंट -1.2 इज इक्वल्स टू वी ए साइन थीटा ए इंटू 2.5, ये अगर आपने पूरा कैलसी पे पुट किया स्टूडेंट यहां से लेकर यहां तक, सो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट -30.65। ये माइनस इस साइड आते हैं तो होगा स्टूडेंट -1/2 प्लस 30.65 इज इक्वल्स टू वी ए साइन थीटा ए इंटू 2.5। सो स्टूडेंट आपको फाइंड करना है वी ए साइन थीटा, सो ये इंटू इस साइड पे आते हैं तो होगा डिवाइड स्टूडेंट। सो स्टूडेंट आपका -1.2 प्लस 30.65 कैंसिल पे होगा स्टूडेंट 29.45 अपॉन ये 2.5 यहाँ पे आएगा स्टूडेंट इज इक्वल्स टू वी ए साइन थीटा ए। सो देयरफॉर 29.45 अपॉन 2.5 होता है स्टूडेंट 11.78 है हुआ स्टूडेंट आपका वी ए साइन थीटा ए का वैल्यू। सो इसे आप इक्वेशन टू नाम दीजिए स्टूडेंट। ओके अब हम स्टूडेंट ये हुआ स्टेप टू, अब हम स्टेप थ्री में स्टूडेंट देखिए स्टेप थ्री में अब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट इक्वेशन टू और इक्वेशन वन को, राइट स्टूडेंट। सो सबसे पहले हम इक्वेशन टू को लिखेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन टू को क्या है स्टूडेंट देखिए वी ए साइन थीटा ए अपॉन आपको लिखना है स्टूडेंट वी ए कॉस थीटा, वी ए कॉस थीटा ए इज इक्वल्स टू राइट। सो वी ए साइन थीटा कितना है स्टूडेंट 11.78, सो 11.78 अपॉन वी ए कॉस थीटा कितना है स्टूडेंट 20, सो आपको यहाँ पे लिखना है 20। सो देयरफॉर वी ए गेट कैंसल, साइन अपॉन कॉस क्या होगा स्टूडेंट साइन अपॉन कॉस वो होता है स्टूडेंट साइन अपॉन कॉस टेन थीटा ए इज इक्वल्स टू राइट
इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू 11.78 अपॉन स्टूडेंट 20। सो देयरफॉर थीटा आपको यही लिखना है स्टूडेंट, एज इट इज थीटा है, इस साइड पे आते तो होगा टेन इनवर्स, और ये होगा स्टूडेंट्स 11.78 अपॉन 20। सो ये अगर आपने कैलसी पे किया स्टूडेंट, टेन इनवर्स कैसे आएगा स्टूडेंट, शिफ्ट और टेन का बटन, सो थीटा ए आएगा स्टूडेंट आपके पास 30.5 डिग्री। सो यही हमें फाइंड करना है स्टूडेंट, और थीटा ए आपको पुट करना है, पुट थीटा ए इन राइट इक्वेशन वन में। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे वी ए राइट कॉस थीटा ए कितना है स्टूडेंट 30.5, सो यहाँ पे लिखने आपको 30.5 इक्वल्स टू कितना होगा स्टूडेंट्स 20। सो आपको वी ए फाइंड करना है स्टूडेंट, सो वी ए इक्वल्स टू 20 और यहाँ पे मल्टीप्लाई पे इस साइड आते हो तो होगा स्टूडेंट डिवाइड, सो कॉस होगा स्टूडेंट 30.5 राइट, और वी ए का फाइनल आंसर में यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट, सो वी ए इज इक्वल्स टू ये जो 20 अपॉन कॉस 30.5 इसका आंसर आएगा स्टूडेंट 23.2 मीटर पर सेकंड।